हेलो बच्चों, आई एम फहद इकबाल एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव फिजिक्स। आई होप आप लोग अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज फिर से हम लोग क्लास 12th चैप्टर 1 से नीट 2020 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आज की प्रॉब्लम्स के टॉपिक हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड फील्ड इंटेंसिटी। इस टॉपिक के थ्योरेटिकल कंसेप्ट के लिए आप हमारे इलेक्ट्रोस्टैट्स के लेक्चर 5 एंड 6 ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला प्रॉब्लम है, चार्जेस Q, 2Q एंड 4Q आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डायलैक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर्स 1, 2 एंड 3 ऑफ रेडियाई R/2, R एंड 2R रेस्पेक्टिवली, एज शोन इन फिगर। इफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर्स 1, 2 एंड 3 आर E1, E2 एंड E3 रेस्पेक्टिवली देन। तो आपके पास चार ऑप्शन है और इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 3 डायलैक्ट्रिक सॉलिड स्फेयर्स हैं। ये 3 डायलैक्ट्रिक सॉलिड स्फेयर हैं। इन तीनों के जो रेडियाई हैं, इसके रेडियाई R/2 है, इसका रेडियाई R है, तो इसका जो रेडियाई है वो कितना है, दिस इज R/2। इसका जो रेडियस है वो कितना है, ये आर है, और इसका जो रेडियस है वो आपको 2R है। ठीक है, और कहा यह जा रहा है कि इनके ऊपर चार्जेस जो हैं वो ये क्यू, इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो 2Q और इनके ऊपर जो चार्ज है वो 4Q, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, अब आपसे ये कहा जा रहा है कि इनके सेंटर से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, और ये पी जो डिस्टेंस कितना है, इस पी की डिस्टेंस जो है वो आर दी गई है आपको। ओके, इस पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है, दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो आर। ओके, तो डिस्टेंस आर पे सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो E1, E2 और E3 है। तो आपके पास इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन है यहाँ पे। ओके, ठीक है, इवन ग्रेटर है, पहला ऑप्शन है कि इवन ग्रेटर E2 और E3। तो इसी तरीके से चार ऑप्शन हैं और इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रॉब्लम की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये है कि जो स्फेयर्स आपको दिए गए हैं वो डायलैक्ट्रिक स्फेयर्स हैं। तो याद रखिएगा, डायलैक्ट्रिक्स की प्रॉपर्टीज आपको याद होगी, ठीक है, कि डायलैक्ट्रिक के सरफेस पे चार्ज होता है। ठीक है, ओके, तो ये आपके पास जो पहला स्फेयर है जिसका रेडियस R/2 है और हमें पॉइंट पी पे जो कि आर डिस्टेंस अवे है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पहले चीज। और ये जो डायलैक्ट्रिक स्फेयर है इसके सरफेस पे कितना चार्ज है, वो क्यू चार्ज है। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा पॉइंट पी पे, लेट अस फाइंड दैट। सो E1 विल बी इक्वल टू 1/4 πε₀। ठीक है, चार्ज कितना है सरफेस पे, तो चार्ज सरफेस पे क्यू है, और कितना डिस्टेंस अवे निकालना है मुझे, आर डिस्टेंस अवे निकालना है, तो ये R² हो गया। ठीक है, पहली चीज़ तो ये निकल करके आ गई। अब चलिए अब हमें दूसरा स्फेयर देखना है। तो दूसरा स्फेयर क्या है आपके पास, दूसरा स्फेयर जो है वो यहाँ, ये दूसरा स्फेयर है, इस स्फेयर का रेडियस कितना है, आर है, और आर डिस्टेंस अवे निकालना है, मतलब तो आर डिस्टेंस अवे कितना हो जाएगा, ये इसके सरफेस पे पहुंच जाएगा पॉइंट पर। इसके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज जो है वो 2Q चार्ज है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा इसके लिए, E2। सो E2 विल बी कम आउट टू बी 1/4 πε₀। चार्ज कितना है सरफेस पे, तो चार्ज 2Q है, तो दिस विल बी 2Q/R². यस, अब जो इस प्रॉब्लम का ट्विस्टिंग है वो थर्ड केस में है। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है। तो थर्ड केस के आपके पास, हमारे पास जो स्फेयर है ये स्फेयर है सपोज कर लीजिए, ठीक है, और इस स्फेयर का रेडियस कितना दिया गया है आपको, ये 2R रेडियस दिया गया है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहाँ पे है, E3, सॉरी पॉइंट पी, पॉइंट पी थ्री जो है, पॉइंट पी जो है वो आर डिस्टेंस अवे है सेंटर से। डैट मीन्स ये जो पॉइंट है वो डायलैक्ट्रिक स्फीयर के अंदर आएगा। ठीक है, और जो चार्ज आपको दिया गया है 4Q, वो इसके सरफेस पे चार्ज है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना होगा यहाँ पर वो ये करना होगा कि
ये जो पॉइंट पी है इसके को लेकर के आप एक सर्कल बनाए, इस स्फेयर बनाएंगे। तो इस ये जो स्फेयर आपने ड्रॉ किया है, जो कंसेंट्रिक स्फेयर है, इस स्फेयर के ऊपर कितना चार्ज होगा, ये सबसे पहला काम आपको निकालना होगा। ठीक है, सबसे पहला काम करना होगा। ठीक है, वेल सो हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे, हम सबसे पहले यहाँ पर बड़े वाले स्फेयर को लेकर के उसकी जो जो चार्ज डेंसिटी है हम वो निकालेंगे, दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, रो क्या हो जाएगा, रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज कितना है 4Q, और इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई, रेडियस कितना है इसका 2R, तो पाई इंटू 2R³, तो विच कम्स आउट टू बी समथिंग, ये आपका 4 से 4 कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 को ऊपर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 3Q अपॉन, यहाँ से आपके पास 8 आ जाएगा, दिस विल बिकम 8π R³। इज इट क्लियर? चलिए, तो रो अगर आ गया तो अब मुझे इस स्फेयर के ऊपर मान लेते हैं कि जो स्फेयर है हमने ड्रॉ किया, इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्यू डैश है, तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो क्यू डैश विल बी इक्वल टू रो इंटू इस चार्ज, इस स्फेयर का वॉल्यूम, इस स्फेयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3π R³। ठीक है, सो रो कितना है आपके पास, रो इज 3Q/8π R³, और ये जो है आपके पास वॉल्यूम इसका 4/3π R³। तो देखिए यहाँ से पाई आर क्यूब से ये पाई आर क्यूब कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, एंड 4 टू द 8। सो क्या आ गया आपके पास, हमारे पास इस स्फेयर जो हमने ड्रॉ किया है कंसेंट्रिक स्फेयर, उसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, क्यू डैश इज इक्वल टू आ गया है Q/2। ठीक है, नाउ ये चार्ज जब हमने निकाल लिया तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, E3। E3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4π₀। चार्ज कितना हो गया, Q/2 अपॉन डिस्टेंस क्या था, R³। ठीक है, सो दिस विल बी, तो E3 कम्स आउट टू बी हाउ मच, 1/4π₀ Q/2R³। ठीक है, अब देखिए आपके पास, तो आपने तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया पॉइंट पी पे। E1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4π₀ Q/R²। E2 की वैल्यू कितनी है, 1/4π₀ 2 Q/R², और E3 की जो वैल्यू होगी वो 1/4π₀ Q/2R², सॉरी दिस इज R² नॉट क्यूब, दिस इज 2R². ठीक है, सो यहां से क्या आ गया हमारे पास, इसका मतलब भी आप देख सकते हैं कि E2 जो है वो E1 का ट्वाइस है, और जो E3 है वो E1 का हाफ है। सो इट मीन्स दैट E2 इज ग्रेटर देन E1, विच इज फर्दर ग्रेटर देन E3। वट इज करेक्ट ऑप्शन, डू यू हैव दिस ऑप्शन, यस वी हैव दिस ऑप्शन, एंड सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब देखिए क्वेश्चन के सी वाला जो ऑप्शन था वो यही था, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि टू पॉइंट चार्जेस क्यू एंड -2Q आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ क्यू इज ई, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ -2Q विल बी। ओके, और आपके पास चार ऑप्शन है, चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, सपोज के लिए एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है। ठीक है, सपोज दिस इज क्यू एंड दिस इज -2Q। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, सपोज के लिए कि आर है। चलिए, अगर R है तो क्या होगा कि क्वेश्चन जो आपको दिया है वो ये है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ क्यू इज ई, मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, वो ई है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो बताना है वो -2Q पे कितना है वो आपको बताना है। तो मुझे बताइए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू चार्ज पे वो किसकी वजह से होगा। ठीक है, ऑफकोर्स वो -2Q चार्ज की वजह से होगा। ठीक है, तो
माइनस टू क्यू चार्ज की वजह से होगा। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं इवन, अगर इसके लिए यहाँ पे मानते हैं तो इवन क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या है यहाँ पे, चार्ज किस चार्ज की वजह से, तो माइनस टू क्यू चार्ज की वजह से है, तो माइनस टू क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और ये इसकी जो वैल्यू आपको दी गई है, इसकी वैल्यू आपको दी गई है कि वो ई है, ओके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस टू क्यू चार्ज के पास। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस चार्ज की वजह से होगा, वो क्यू चार्ज की वजह से होगा। तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, डिस्टेंस तो सेम ही है, आर स्क्वायर, ओके। तो अगर हम ई टू और ई वन को डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, लेट अस सी, ई टू बाय ई वन, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप देखिए वन अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट और वन अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, वन अपॉन आर स्क्वायर यहाँ से और वन अपॉन आर स्क्वायर यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विथ ई टू के पास जो आपके पास वैल्यू आएगी वो ऊपर क्यू आ जाएगी, और ई वन के पास जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, माइनस टू क्यू आ जाएगा, ठीक है, ओके। और हमें दिया गया है ई वन की वैल्यू कितनी है, हमें हमारे पास है वो ई है, सो ई टू कितना हो जाएगा, और ये क्यू से क्यू भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास, ई टू बाय ई वन की वैल्यू कितनी थी, ई थी, तो ई टू बाय ई वन इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस वन बाय टू, ठीक है। सो ई टू की वैल्यू कितनी आ गई, दैट मीन्स जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस टू क्यू चार्ज के पास कितना होगा, इट विल बी माइनस ऑफ ई बाय टू, ठीक है। क्या ये ऑप्शन है हमारे पास, यस ऑफ कोर्स। सो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। लेट मी राइट इट हियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन एक्स डायरेक्शन, इफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज 0.2 किलोम थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अलॉन्ग ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस इज 4 जूल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। तो आपको मालूम है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस होता है, ठीक है। दैट यू कैन राइट एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और फोर्स यहां पे क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा आपको मालूम है, तो वर्क डन आप लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू, क्योंकि फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई, तो ये क्या हो गया, क्यू ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आप लिख सकते हैं, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई विल बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ओके। तो चलिए डब्ल्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, डब्ल्यू इक्वल टू फोर जूल है, चार्ज कितना है, चार्ज की वैल्यू 0.2 कूलम है, डिस्टेंस कितना है, एस इज गिवन यू 2 मीटर, एंड थीटा कितना है, थीटा जो है वो आपका 60 डिग्री, सो दिस विल बिकम कॉस 60, ओके। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप 2 या 4 कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ से इस पॉइंट को हटा करके 10 ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 अपॉन कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 20। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, ई इक्वल टू आ जाता है आपके पास 20 न्यूटन पर कूलम। तो क्या ये ऑप्शन है आपके पास, ऑफ कोर्स वी हैव दिस ऑप्शन, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओके वेल। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर सिचुएटेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी, एंड वी हैव फोर ऑप्शंस, और ऑप्शन क्या है, जीरो,
नेक्स्ट ऑप्शन है रेशियो ऑफ मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ऑप्शन सी है यूनिटी और ऑप्शन डी है रेशियो ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, को सॉल्व करेंगे। आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ये हमें निकालना है। तो ये क्या होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। सो आपको मालूम है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखें यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फोर्स ऑन प्रोटॉन कितना हो जाएगा, अगेन इट विल बी ई इंटू ई। तो फोर्स ई जो है मतलब चार्ज कितना होता है प्रोटॉन के ऊपर, वो भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर ही होता है, ये भी हो जाएगा ई इंटू ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ई ई मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर चला गया तो आपके पास क्या आ जाएगा नीचे, ई इंटू ई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा। तो देखिए दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट, सो वी हैव द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, इट कम्स आउट टू बी मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो क्या होगा रेशियो, तो जो रेशियो आ गया हमारे पास, सो इन दोनों का जो रेशियो है वो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज डी, ओके दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज डी, ओके। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इक्वल चार्जेस क्यू ईच आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी इज। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ओके तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, तो ये हमारे पास क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज कर लीजिए। ठीक है, सो सपोज कर लीजिए कि ये वर्टिसेस ए है, ये बी है और ये आपका सी है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, यहाँ भी चार्ज कितना है क्यू है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि इसकी तीनों साइड सेम होंगे, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, और तीनों एंगल भी कितना होगा, वो भी सेम होगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इस चार्ज की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से मान लेते हैं कि ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, सपोज कर लिए कि वो ईवन है। बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको मान लेते हैं कि वो ई टू है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ईवन और ई टू की वैल्यू क्या है। तो ईवन क्या हो जाएगा, ईवन विल बी इक्वल टू 1/4πε0, चार्ज क्या है क्यू और डिस्टेंस कितना है ए से सी का, इट इज ए, तो इट विल बी ए स्क्वायर। सिमिलरली आपका ई टू क्या आ जाएगा, ई टू विल बी ऑल्सो 1/4πε0 क्यू बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं यहां, ईवन और ई टू की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है, तो लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग है, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो रिजल्टेंट जो होगा वो समवेयर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना था, ये पूरा एंगल जो था आपका वो 60 डिग्री था। ठीक है, तो
तो ये जो एंगल होगा, एक ये एंगल कितना होगा, डेट विल बी ऑफ कोर्स 30 डिग्री। ठीक है, जब इसका कंपोनेंट आप लेंगे तो E2 का एक कंपोनेंट जो है वो इधर जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा। सिमिलरली E1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट ऊपर जाएगा। तो ये लेफ्ट और राइट साइड वाले कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि E1 E2 की जो वैल्यू है वो सेम है। ओके, तो ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा वो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, E1 इक्वल टू E2 आ रहा है, एक चीज़ तो ये आ गई। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा C पे वो कितना होगा, दैट आई कैन राइट। ओके, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी क्या हो जाएगा, डेट विल बी ट्वाइस ऑफ E1 और E2 एंड कॉस ऑफ 30 डिग्री। ओके, सो यू नो दैट ये 2 और E1 और E2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, दिस कम्स आउट टू बी समथिंग √3³/4πε₀ ए स्क्वायर। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, ओके, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड e एंड देन रिलीज्ड। द काइनेटिक एनर्जी अटेंड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस y इज। सो अगेन वी हैव 4 ऑप्शन, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। चूंकि आपको दिया हुआ है जो चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है और उसके ऊपर चार्ज q है, वो रेस्ट में है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है आपको, E दी गई है। तो आप मुझे बताएं कि फोर्स कितना होगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो फोर्स क्या होगा आपको मालूम है, फोर्स ऑन द पार्टिकल ये कितना हो जाएगा आपको मालूम है, फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। चूंकि चार्ज क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई दे रखी है, तो फोर्स जो हो जाएगा वो क्यू ई हो जाएगा। और वो डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है, सो आपको मालूम है कि डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है वाई। तो वर्क डन कितना होगा इतना डिस्टेंस मूव करने में बताइए। सो वर्क डन आप निकाल सकते हैं यहाँ से, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो एफ इंटू वाई हो जाएगा और एफ क्या था आपका, क्यू ई, तो ये क्यू इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, वेल अब आपको मालूम है आपने क्लास 11th में पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपसे कहता है कि वर्क डन जो होगा आपका इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन आपने कितना किया है, वर्क डन चूंकि हमने क्या है यहाँ पे क्यू ई इंटू वाई, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास
काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास क्यू ई इंटू वाई, ठीक है। वेल सो वी गॉट द काइनेटिक एनर्जी। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हेयर वी हैव ऑप्शन सी अगेन, ओके। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस। सो प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन अगेन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स देयर। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब इट टू लर्न मोर, एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज सो दैट मोर स्टूडेंट्स गेट्स बेनिफिटेड ऑफ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।